प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक प्रबंधक हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर गांधी ने 1956 में सिर्फ 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत की। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा ही कहिए और 50,000 से भी ज्यादा छात्रों वाला ये स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। 1999 से इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। डॉक्टर जगदीश गांधी का जन्म 10 नवंबर 1936 को अलीगढ़ जिले के बारसोली गांव में हुआ। वो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम है और विश्व के अनेक देशों ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वो सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल रहे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। इस दौरान वो स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने गए। शादी के बाद पत्नी के साथ मिलकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल खोला। विश्व शांति के लिए उनकी कोशिशों को अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने सराहा और सम्मानित किया। डॉक्टर गांधी सामाजिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहे। 1959 से 1964 के दौरान वो उत्तर प्रदेश नौजवान संघ के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1960 से 1965 के दौरान वो उठो जवानों के संपादक भी रहे। 1961 से 1973 के बीच वो ऑल इंडिया चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल के संस्थापक और महासचिव रहे। साथ ही 1962 से 1965 के बीच वो सहायक जिला स्काउट आयुक्त भी रहे। दुनिया भर के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए अभियान चलाने के लिए उन्हें 21 अगस्त 2012 को विधि के क्षेत्र में मानद उपाधि भी दी गई। मार्च 2014 में उन्हें यूपी सरकार ने यश भारती सम्मान से भी नवाजा। शांति आधारित शिक्षा के लिए उन्हें साल 2011 में प्रतिष्ठित कूसी शांति पुरस्कार और साल 2002 में यूनेस्को की ओर से सम्मानित किया गया। धर्म तो एक है, शाश्वत है, परिवर्तन। एडम ने पूछा था, एडम और ईव को, जो हमारे फोर फादर हैं, जिनके हम सब सारे दुनिया के लोग जिनकी संतान है, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री भगवान ने जो बनाई एडम और ईव, उनको हम एडम और ईव भी कहते हैं, उनको हम आदम और हुआ भी कहते हैं, उनको हम मनु और शत्रुपा भी कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन सब एक मानते हैं कि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तब परमात्मा ने एक पुरुष और एक स्त्री बनाई। एक मानव की योनि बनाई, एक पशु की योनि बनाई। पशुओं में तो तरह तरह के पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, मच्छर हैं, झिंगुर हैं, छिपकली हैं, कुत्ते हैं, सुअर हैं, बल्ली हैं, बंदर हैं, दुनिया भर के हैं। पशु योनि बनाई और एक मानव की योनि बनाई, और मानव की योनि जब बनाई तो एक पति एक पत्नी बना दी एडम और ईव। परमात्मा ने सोचा मुझे अपना घर बसाना, मैं चाहता हूं मेरा घर बसे, थोड़े से बच्चे पैदा हों, वो खिलकारी मारें, खेलेंगे कूदेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। परमात्मा का मन, उसकी इच्छा, वो जाना। तो उसने पति पत्नी बना दी, एडम ईव बना दी। अब कोई भी पिता अपने बच्चे को अच्छी सीख भी देता है उसकी भलाई के लिए। तो परमात्मा ने एक धर्म बनाया और कहा कि धर्म ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है, इसको तुम जान लो। और धर्म क्या है? मेरी आज्ञाओं को जानना, उसको चलना। तो एडम ने पूछा कि आपकी आज्ञा है क्या, ये आपकी शिक्षा है क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों एकता में और प्रेम में रहना बस, और ये बात तुम अपने तुम्हारी सफलता के रहस्य में, ये बात तुम इसे अपने परिवार अपने बाल बच्चों को बताना, और उनसे कहना जब उनके बच्चे हों तो वो बताएं, फिर उनके बच्चे हों तो वो बताएं, फिर उनके बच्चे हों तो वो बताएं। पीढ़ी दर पीढ़ी मानव सुखी रहेगा यदि एकता में और प्रेम में रहेगा, और वह एकता में कमी आएगी तो दुख हो जाएगा, संकट बढ़ेंगे, मारामारी होगी, कत्लेआम होगा। तो परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो धर्म बना दिया, कर्तव्य बना दिया,
धर्म शाश्वत होता है, अपरिवर्तनीय होता है, इटर्नल होता है, न कभी बदला है न कभी बदलेगा। हर प्राणी का एक ही धर्म है, एक दूसरे से प्रेम करना। और हर धर्म का उद्देश्य भी, जितने धर्म है, द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग मैन। हर धर्म का एक ही उद्देश्य, आपसी सद्भाव और आपसी मानव मात्र की एकता और प्रेम, एक ही धर्म। और ये क्या है, प्रोग्रेसिवली रिवील करता है। गॉड रिवील्स हिज वर्ड्स प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम थ्रू ए सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर्स एंड द टीचिंग्स आर टेलर्ड टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड प्लेसेस ऑफ देयर अपीयरेंस। तो एक ही परमात्मा है, वो युग युग में आता है, बार बार विविध रूपों में आता है, जिसके लिए गीता में भी कहा है, यदा यदा धर्म से, जब जब धर्म के प्रति, ग्लानिर्भवति भारते, मानव के मन में ग्लानि हो जाए, अरुचि हो जाए। धर्म क्या है? धर्म आपसी प्रेम। धर्म आपसी प्रेम नहीं करेंगे और एकता में नहीं रहेंगे तो अनेकता हो जाएगी, नफरत करेंगे तो प्रेम में कमी आएगी और नफरत होगी, और एकता में कमी आएगी तो दुख बढ़ेंगे, और दुख और संकट बढ़ेंगे तो आदमी जब दुख में पड़ेंगे तो परमात्मा दयालु है, हमारा रचनाकार है, तो वो फिर विविध रूप में आ जाएगा। तो यदा यदा धर्म से ज्ञानिर्भवति भारते, तो अभ्युत्थान धर्म से मानव के मन में उसके कल्याण के वास्ते, उसकी भलाई के लिए, धर्म का उदय करने के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए, संभवाम युगे युगे, हम युग युग में आएंगे। तो जैसे रामायण में लिखा है, वही गीता में, कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के पीर घोरने के लिए वो परमात्मा विविध रूप में आता रहेगा। और यही बात बाहुल्ला ने कही कि गॉड रिवील्स हिज वर्ड्स प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम थ्रू ए सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर्स एंड द टीचिंग्स आर टेलर्ड टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड प्लेसेस ऑफ देयर अपीयरेंस। युग युग की आवश्यकता अनुसार हर युग में परमात्मा का एक अवतार का सृजित करेगा और उस युग की समस्याओं का हल देगा। जब मर्यादा की कमी हुई मानव जीवन में तो राम को भेज के मर्यादित किया, जब न्याय की कमी हुई तो कृष्ण जी को भेजकर उन्होंने समाज में न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, और उसके लिए फिर कोर्ट कचहरी न्यायालय सब बनने लगे, उससे पहले कोई भी नहीं था। तो न्याय की शिक्षा के देने के लिए कृष्ण जी का आगमन हुआ, और जब वो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो 2500 वर्ष बुद्ध जी आए, उन्होंने कहा भाई परमात्मा ने तो जब ये सृष्टि बनाई तब एडम और ईव को भी कहा था भाई एकता में रहना प्रेम, ये तो समाज को टुकड़ों में बांट देगा वर्ण व्यवस्था। उन्होंने कहा भाई कास्ट सिस्टम इज क्रिएटेड फॉर ए सोसाइटी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टुडे इज अ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। कास्ट सिस्टम को नहीं मानो, जाति प्रथा को नहीं मानो। बुद्ध जी ने सम्यक ज्ञान दिया, सब बराबर है, समाज को टुकड़ों में मत बांटो, समाज में दूरियां पैदा न करो, ईश्वर के विरुद्ध है। ईश्वर चाहता है सब मिलजुल के रहे। अब बुद्ध जी की मृत्यु के कोई 500 वर्ष बाद 2500 वर्ष पूर्व आए थे, आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह का आगमन हो गया, 500 वर्ष में ही हो गया। और जब मानव हृदय बहुत कठोर हो गए थे, पत्थर हो गए थे, करुणा की कमी हो गई थी, तो मानव जीवन में
करुणा और दया का पुट डालने के लिए यीशु मसीह आ गए, और यहाँ तक कि जब कीले उनको ठोकी जा रही थी वो प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे कीले ठोक के मार रहे हैं, क्योंकि अपराधी नहीं। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी उन्हें लोग मार रहे हैं, कीले ठोक रहे हैं, उन्हें चिंता इस बात की हुई कि ये जो मुझे मार रहे हैं कि भगवान इनसे नाराज ना हो जाए। तो भगवान को समझा रहे थे, हे भगवान ये तो अबोध और अज्ञानी है, इन्हें ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का बोध ही नहीं कराया गया, इन्हें परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, ये कहाँ से दोषी है, ये अपराधी नहीं है, दोषी है, ये तो अज्ञानी अबोध है, इनको माफ किया जाए। अब भगवान ने सबको माफ कर दिया और इस मसीह स्वर से धार गए, मर गए। लेकिन उनके हृदय बदल गए सबके जिन्होंने यीशु मसीह को मारा, और उन्होंने सारे संसार में ईसा की शिक्षाओं को फैला दिया। तो करुणा का पाठ पढ़ा जाए, बाइबल में कहा है इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनका जीवन करुणा में और दया में होगा, और उनकी मृत्यु के करीब 1450 वर्ष के बाद में मोहम्मद साहब आए 1400 वर्ष में, और मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई पहली आयत है कुरान की कि खुदा रब्बुल आलमीन है, आलमीन माने सृष्टि का रब है, सारी सृष्टि को बनाने वाला एक परमेश्वर है, सबको बनाने वाला एक है, एक नूर थे सब जग उपजा, नानक जी ने भी कहा, और ये बात सब धर्मों में, वही मोहम्मद साहब की आत्मा से भी यही आया दिव्य ज्ञान है, दुनिया के इंसानों एक खुदा के बंदे हो, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, भाई भाई हो, कोई भाई किसी को न सताए, यही कुरान शरीफ की तालीम है। तो ये 1400 वर्ष पूर्व भाई, और उसके बाद करीब 950 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हुई, यानी आज से 550 वर्ष पूर्व एक और संदेश आया दिव्य लोक से नानक जी की आत्मा में, और उन्होंने कहा कि अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे, और नानक नाम चढ़दी करा कब जब तेरे भाने सर्वत्र दा भला, नानक का नाम तुझे ईश्वर को ले जाने का मार्ग है, लेकिन शर्त यह है तू सबका भला करेगा तब, अन्यथा नहीं। सारे संसार की प्रत्येक प्राणी की जब भलाई करेगा उसके लिए त्याग करेगा तब नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जा सकता है, क्योंकि एक नूर से सब जग उपजा, एक परमात्मा से सारा जग उत्पन्न हुआ है। तो प्यारे बच्चों उनमें त्याग की भावना आई, उनका मानव जीवन में जब त्याग की कमी हुई तो नानक जी को भेजा कि वही त्याग करना सिखाओ, और आज से लगभग 200 वर्ष में बाहुल्ला का आगमन होता है, उन्हें दिव्य लोक से इसलिए भेजा गया कि जो मानव मानव की दूरियां हैं वो खत्म करो, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे भी वो, माय गॉड यूनाइट द हार्ट्स ऑफ दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम दाई ग्रेट पर्पस, मे दे फॉलो दाई कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन देयर लॉ। तो प्यारे बच्चों एकता का संदेश जो शुरू में एडम रीव को भगवान ने दिया, हर धर्म की एक ही शिक्षा है, एकता में रहो प्रेम में रहो। See it through.
At the FinTune contest, 58 teams participated, expressing through caricature on the topic, e-commerce will have the shopping mall's area of wasteland. In the evening, a cultural evening was organized by the delegates. It is our great privilege to welcome a very eminent IAS officer of Uttar Pradesh government, Mr. Anuj Kumar Jha, IAS, Director of Information, Government of Uttar Pradesh. Shri Anuj Kumar Jha joined IRTS in 2008 and then in 2009 he qualified UPSC and became an IAS officer.
He joined the district magistrate in Mahova district of Uttar Pradesh. He did excellent work for improvement in the basic education system and teachers' attendance in Mahova. Under his guidance as an administrator, Mahova developed and improved in different fronts. He also worked in Kannauj and Raebareli districts as district magistrate. I'd like to very specially welcome our chief guest this evening, Sri Anuj Kumar Jhaji, the IAS, Director Information, Government of Uttar Pradesh. Chief guest for the occasion, Mr. Anuj Kumar Jha, Director Information, Government of Uttar Pradesh, spoke on post-liberalization India. A very pious ceremony, a very solemn ceremony, the lighting of the lamp. First of all, I must congratulate all of you. Other than this, the conference that you are taking part in, I thought I'll speak slightly on that also. If we think in terms of India and how Indian economy, Indian commerce industry has prospered over the years, the year of 1990 and slightly after that, that stands out. That stands out because that was the time when Indian economy went through a process called LPG. L stands for liberalization, P for privatization, and G for globalization. The Indian participants here, they must appreciate this thing. They might be appreciating this thing. That prior to that, the Indian economy was slightly isolated from the world economy. And the exchanges were not so frequent, not that much. But after 1990, India fully engaged with the world, particularly more so with their economy, with their sectors. And things have changed since then. How it is significant for us, how it is significant for the students. Because this particular change has ushered so much more activity in the economy. The sectors have opened up. More of the activities are happening, more of the jobs are being created. So that is how it is more relevant to us. We have to understand whatever we are doing. Like if I ask you now, that what is that one subject which is more important today, which you should take up as your future course? So each of you might have different ideas about it. But my answer to that will be that any subject, any course of study is good if you are truly introduced to the nuances of that subject. Say, in India, a graduate from IIM, Indian Institute of Management, say Ahmedabad or anywhere else, we must have heard that many, many such graduates, they are coming out of these hallowed institutions and they engaged in something really unexpected. Like say farming. Say they take up farming on a large scale by say engaging in cooperative farming or something. We raise the banner of our school and see it flying high. We raise together all our voices till they reach the sky. CMS is the place to be. CMS is the place to be.
शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।